खबर जनपद उधम सिंह नगर से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अवैध शराब धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं महुआ डाबरा नगर पंचायत के लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते उप जिलाधिकारी जशपुर को अवैध कच्ची शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए ज्ञापन दिया और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वही मामले पर उप जिलाधिकारी जशपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया, लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया जिसके संबंध में एक संयुक्त टीम गठित कर दी गई है, जिसमें औचक निरीक्षण कर छापेमारी की जाएगी। उधम सिंह नगर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया गया, उसमें लिखा गया है कि महुआ डाबरा में वार्ड नंबर 1 में कच्ची शराब की बिक्री होती है, तो इसके लिए मैंने अभी एक संयुक्त टीम का गठन मैं कर रही हूँ, जिसमें कि तहसीलदार, आबकारी इंस्पेक्टर और कोतवाल की टीम बनी हुई है कि जो कि इसमें औचक निरीक्षण करेगी और छापेमारी करेगी। कि गांव में कच्ची शराब अधिक बिक रही है, रहने की दिक्कत है, खाने की पीने की दिक्कत है, घर में मार पिटाई करते हैं, दारू पी पी करते हैं, बहुत दिक्कत है, बहु बेटी वाली सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है गाँव में। हम ये चाहते हैं कि अवैध शराब गाँव में बंद हो जाए, बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।